वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जुलाई को। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है प्लास्टिक बैग फ्री, मतलब अब से हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। जो पतले से लिफाफे होते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं जिनसे हम सब्जी लेकर आते हैं, तो वो प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बस ये डे भी सेलिब्रेट किया गया है टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन प्लास्टिक बैग्स, लोगों में जागरूकता लाई जा सके कि जो बैग्स हम यूज़ कर रहे हैं उन पे अपना रिलायंस थोड़ा कम करना। ठीक है, नो स्पेसिफिक थीम, इस डे का कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है। गुरु पूर्णिमा भी 3 जुलाई को सेलिब्रेट की गई। वैसे तो जो हिंदुज़म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, तीनों धर्मों के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट मेन बुद्धिज़्म का ये धर्म है। बुद्धा गेव फर्स्ट सर्मन ऑन दिस डे एट सारनाथ यूपी। तो जब हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री में, तब भी हमने इस दिन का जिक्र किया था कि गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है, जिस दिन गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ यूपी में दिया था, उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। देखिए, नेपाल भूटान में तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म का, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, इन तीन कंट्रीज़ में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड न्यूज़ देखें, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। यूरोप्स यूक्लिड, यहाँ पे डी होगा, यूरोप्स यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये स्पेस टेलीस्कोप है, लॉन्च किया गया है टू एक्सप्लोर डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है डार्क मैटर क्या होता है। प्लस सेकेंड चीज़, यूनिवर्स जो है ना, उसका साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि 95% जो पार्ट है या वेट है वो डार्क मैटर का है। ठीक है, 5% बच गया अर्थ है, सोलर सिस्टम है, ये है वो है, बट 95% जो है हमारे यूनिवर्स का वो डार्क मैटर है। ठीक है, तो कौन सा टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया है टू एक्सप्लोर डार्क मैटर, यूरोप का यूक्लिड, राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारी एक अपॉइंटमेंट, न्यू चेयरमैन ऑफ CIL कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? PM प्रसाद बने हैं। अब PM को प्राइम मिनिस्टर मत समझिएगा, इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो नए स्पॉन्सर बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, कौन बने हैं हमें वो पढ़ना है। सो न्यू लीड स्पॉन्सर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम ड्रीम 11। ऐड आती है ना हर जगह आजकल, ड्रीम 11 है, एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें, टीम बनाएं, खेलें, पैसे बनाएं, तो वो है ये ड्रीम 11, और ये नए स्पॉन्सर बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। अब ये अनाउंसमेंट की किसने है, तो ये अनाउंसमेंट की गई है BCCI के द्वारा। है, थोड़ा सा BCCI के बारे में जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस स्टैटिक GK में मैंने वैसे तो पढ़ा रखा है, बट नहीं आपने पढ़ा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Here BCCI stands for the Board of Control for Cricket in India. ये फुल फॉर्म हो गया आपका, आपको याद करना है। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में क्रिकेट को गवर्न करने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक बॉडी है, हेडक्वार्टर्स हैं इसके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। दिस इज़ द वेल्थीएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर एक कंट्री की अगर हम बात करें, वहाँ की जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन सबको अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा वेल्दी अमीर गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की पूरी दुनिया में है BCCI। फॉर्मेशन हुई थी 1928 दिसंबर में। मेंस कोच है राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच की अभी पोस्ट खाली है, देखते हैं जब भी बनेंगे तो अपॉइंटमेंट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब देखिए, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। प्लस डेली जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, इस सब्जेक्ट पर मेरी कमांड बढ़ रही। ऊपर से मैं हमेशा 6 बजे सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आप मेरे साथ ही देखेंगे 6 या 6:15 के अराउंड वीडियो आ जाती है, तो अगर आप देखते हैं 40 से 45 मिनट लगेंगे एट मोस्ट आपको नोट्स बनाने में, उसके बाद आप अपने बाकी काम कर सकते हैं। तो 7 बजे तक आप करंट अफेयर्स पढ़ के फ्री हैं, तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब सेकेंड सब्जेक्ट की ओर चल रहे हैं, है ना। इसको ऐसा ना सोचें कि एट द एंड ऑफ मंथ मैगजीन से पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स रहने देगी, सुबह उठ के कुछ नया करना है, है ना। बाकी बुक्स तो आपको है ही पढ़ने के लिए, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको सब्जेक्ट नहीं बनने देना है, इसको अपना एंटरटेनमेंट का सोर्स रहने देना है। ठीक है, सो नोट्स बनाते चले। सिक्स पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करें, अक्षर रिवर क्रूज, रिवर क्रूज का नाम है अक्षर, लॉन्च किया गया है कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में।
ऑन साबरमती रिवर, साबरमती नदी के तट पे, जो कि 30 मीटर लॉन्ग लग्जरी क्रूज है। इस पे खाने की फैसिलिटीज, डांसिंग फैसिलिटीज, इस तरह से सब कुछ मिलेगा। प्लस इस क्रूज का जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो उस टाइम बनाया गया था जिस टाइम पे पीएम मोदी सीएम थे गुजरात के। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दें और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का सेवेंथ पॉइंट है फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, कौन है? अदिति टटकरे बने हैं। एक पॉइंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम डेप्थ में इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में जो रिलीज किया गया है, इसका 17th एडिशन था, रिलीज किया गया है IEP के द्वारा, विच स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि एक थिंक टैंक है, बेस्ड है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उसके द्वारा। नाउ इसके अंडर कितने कंट्रीज की रैंकिंग आती है? एनुअल रैंकिंग है, यानी हर साल रैंकिंग आती है ऑफ 163 कंट्रीज, यानी 163 कंट्रीज का जो डेटा है उसको स्टडी करता है और उनकी पीसफुलनेस के आधार पर जो है ये इंडेक्स सामने लाता है। अब बात आती है कि इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। इंडिया का रैंक क्या रहा? 126, 126वां रैंक रहा। डोमेन्स यानी कौन कौन से पैरामीटर्स को ये स्टडी करता है उसके बाद इंडेक्स रिलीज करता है, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ongoing domestic and international conflict, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, एंड militarization, मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है इसके ऊपर। ठीक है, तो याद रखना है टॉप किया है आइसलैंड ने, इंडिया का रैंक रहा है 126, एंड इसी इंडेक्स के हिसाब से सबसे कम पीसफुल कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी है? अफगानिस्तान। वो पॉइंट हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, मुझे अलग से मिला था तो मैंने अलग से लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत टाइट हो जाता लिखने को, है ना। नाउ नाइन्थ पॉइंट अगर हम देखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सिक्स्थ यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सिक्स्थ एडिशन यूथ वुमेन्स, वुमेन्स की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है भोपाल में, जीता है हरियाणा ने। ठीक है, टेंथ पॉइंट है रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, बीर दिबिंदर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे ये? फॉर्मर पंजाब असेंबली डिप्टी स्पीकर, पंजाब असेंबली जो थी उसके डिप्टी स्पीकर थे पहले। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बीर दविंदर सिंह पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? एक्टर थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, कोई एम्बेसडर थे, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिशियन थे। नाउ अगर बहुत डेप्थ में अगर आप पंजाब से, तब तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पता होना चाहिए, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है तो सब कुछ पता होना चाहिए, बाकी नेशनल लेवल पर इतना काफ़ी है कि पॉलिटिशियन थे। ज़्यादा आपने देखना है तो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे, इससे डेप्थ में नहीं पूछेंगे। ठीक है, नाउ इलेवेंथ पॉइंट आता है एज पर IEP, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसने रिसेंटली 17th ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया है, उनके हिसाब से लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे कम पीसफुल कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। ये पॉइंट्स अलग से मिला मुझे तो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया। अब देखिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है अगेन एक अपॉइंटमेंट। सो न्यू महाराष्ट्र डिप्टी CM, न्यू महाराष्ट्र के डिप्टी CM कौन बने हैं? किन्होंने ओथ ली है? अजीत पवार ने ली है। अब देखिए इसका तो ज्यादा पढ़ने का है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें, दिस इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया सॉरी। सो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सेकेंड नंबर पे स्टेट है महाराष्ट्र। नाउ फर्स्ट रैंक पे कौन सी है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको सेंसस पढ़ाया था, है ना। तो अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट आता है टू मेजर रिवर्स, महाराष्ट्र में जो फ्लो करने वाली दो मेन रिवर्स हैं वो है गोदावरी एंड कृष्णा। CM कौन है यहाँ के? एकनाथ शिंदे। अभी हमने इसी पेज पे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में पहली वुमेन मिनिस्टर कौन बनी है? अदिति टटकरे बने हैं, और वो जो फॉर्मर एक CM रहे थे वहां के, उनकी बेटी हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है? मुंबई। इसे क्या कहते हैं हम? सिनेमा सिटी बोलते हैं, है ना, मूवीज से रिलेटेड है ये सिनेमा सिटी। नाउ गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश बाइस, एंड दिस इज द होम टू फेमस अजंता केव्स, एलोरा केव्स, जिनका मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया भी है, है ना। तो मुरल पेंटिंग्स में मैंने पढ़ाया था अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स के बारे में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस भी इन्हें मिला हुआ है, तो ये सब महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कम्प्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।